करते भाजपा सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में निर्दलीय विधायक सरजू राय ने भाजपा कार्यालय के निर्माण में एक घोटाले का आरोप लगा दिया है। बाकायदा उन्होंने ट्वीट कर टिप्पणी की है। इसका खंडन करते हुए भाजपा ने इसे भ्रामक और निराधार बताया। भाजपा ने कहा, भाजपा की कार्यप्रणाली पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी है। भाजपा व्यक्ति या परिवार आधारित पार्टी नहीं है। वहीं इस ट्वीट को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने कहा, सरजू राय के रहस्योद्घाटन से भाजपा का एक और असली चेहरा सामने आ गया है, इसलिए भाजपा नेताओं को कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को निर्माण के लेकर के जो मीडिया में खबरें चलाई जा रही है वो बिल्कुल निराधार और भ्रामक है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पूरी तरह लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी है। यह पार्टी व्यक्ति और परिवार की पार्टी नहीं है। इस पार्टी को करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सींचा है खून और पसीने से, और इसी का परिणाम है कि आज भाजपा देश में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। सरजू राय जी के एक ट्वीट ने भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों की एक नई कलई खोल दी है। कोरोना महामारी के पहले वेव में जब पूरी दुनिया इस चुनौती का मुकाबला कर रही थी, तब झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता आपदा में अवसर तलाश कर रहे थे, कार्यालय का निर्माण कर रहे थे। उस समय भी हम लोगों ने कहा था, कार्यालय तो बनाया बनाया, इनको तो पैसे खाने की बीमारी है। 5 साल भ्रष्टाचार किया, कहीं बांध चूहा खा गया, कहीं विधानसभा के भवन गिरे, कहीं नदियों में पुल ढह गए, कहीं कुछ घोटाले, कहीं कुछ घोटाले। आप कल्पना कीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी 8 कार्यालयों का, अपने कार्यालयों का निर्माण करती है और उसमें भी पैसे खाती है। अपने आला कमान के नेताओं को गलत बिल दिया और जब उन नेताओं को पता चला, इंक्वायरी हुई, तो 700-800 वर्ग फीट जमीन ही कम पाई गई। तो आप कल्पना कीजिए कि जो अपने घर को नहीं छोड़ते हैं वो बाहर वाले को क्या करेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता अपने प्रदेश के नेताओं को इस काले कारनामों पर कालिख पोतती है या उन्हें बरी कर देती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जनता जो है, ये पब्लिक जो है, सब जानती है। इनको मालूम हो गया कि वारे भाजपा के नेता अपने घर निर्माण में भी घोटाले करने से नहीं बाज आए। यही है घोटालेबाज पार्टी।